हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सलीमा टेट और निक्की प्रधान को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की बेटियां सलीमा टेट और निक्की प्रधान का सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान समारोह विधानसभा परिषद में आयोजित किया गया। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों को झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित कर चुके हैं। इसमें दोनों को 50-50 लाख की पुरस्कार राशि के साथ साथ एक स्कूटी प्रदान की गई है। सरकार ने इन्हें 3000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान देने की भी घोषणा की है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि झारखंड के इन बेटियों ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में राज्य का परचम लहराया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि झारखंड में खेल के क्षेत्र से प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए राज्य सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इसके तहत सरकार ने खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नियुक्ति देने की पहल की है। इसके अलावा खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ट्रेन से गए दुमका, 15 अगस्त को करेंगे झंडोत्तोलन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार की देर शाम ट्रेन से दुमका के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रामबाई बैस भी गई है। राज्यपाल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका स्थित पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन करेंगे। इससे पहले राज्यपाल शनिवार को दुमका में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। राज्यपाल का शनिवार को सिंधु कानू विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है। जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरांव के नेतृत्व में वनवासी कल्याण केंद्र का एक प्रतिमंडल शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने वालों को ही राज्य में मिलेगी नौकरी। झारखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी के लिए अब झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने तमाम जो परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन प्रारूप का गजट प्रकाशन कर दिया है। राज्य में परीक्षा संचालन से संबंधित तमाम नियमावली में संशोधन को लेकर हाल में ही कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके साथ ही जो है सभी प्रकार की परीक्षाओं में जो संशोधन हुआ है वह गजट प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। इस जो है संशोधन नियमावली के आधार पर ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग आने वाले दिनों में परीक्षाओं का संचालन करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी वाहनों की ट्रेनिंग के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। हजारीबाग में खुला झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल। झारखंड के हजारीबाग जिले में कल शुक्रवार को झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये जिले का पहला ट्रेनिंग स्कूल है जहां दूसरे राज्य के लोग भी भारी वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब भारी वाहन चालकों को ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल, अति विशिष्ट जो है RTA छोटा नागपुर रविराज शर्मा, विशिष्ट अतिथि DTO जो है विजय कुमार ने बार को झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया है। यह हजारीबाग का पहला ट्रेनिंग स्कूल है जहां झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी भारी वाहनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड जवानों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। चाईबासा समेत राज्य के तमाम जिलों में तैनात होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को एक साथ ट्वीट कर ट्विटर पर आंदोलन चलाया है। इस दौरान हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए होमगार्ड के जवानों को नियमित करने, समान काम का समान वेतन लागू करने, महंगाई एवं वर्दी भत्ता प्रदान करने की मांग की गई है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ट्विटर पर चले आंदोलन के तहत होमगार्ड के जवान मुख्यमंत्री से लगातार अपनी मांग जो ट्वीट करते रहे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चाईबासा जिला अध्यक्ष चरण जोहे चातर ने बताया है कि कुछ माह पूर्व राज्य के होमगार्ड जवानों ने जब आंदोलन शुरू किया था उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 माह में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद भी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस कारण आज जवानों ने ट्विटर पर आंदोलन चलाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्वतंत्रता दिवस को मौसम रहेगा साफ या होगी बारिश। आज यहां बारिश के असर जो है झारखंड के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग के कुछ हिस्सों में बारिश के असर हैं। इस दौरान मेघा गर्जन होगा। वही 15 अगस्त को मेघा गर्जन के साथ बारिश होगी और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 15 अगस्त को आकाश बादल छाए रहेंगे, मेघा गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून कमजोर रहा है। कुछ स्थानों पर इस दौरान हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। मोराबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह के लिए शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त और SSP के नेतृत्व में अंतिम अभ्यास किया गया। इस दौरान वे सभी कार्यक्रम किए गए जो 15 अगस्त को किए जाने हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी परेड करेगी। बैंड का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार सीमित लोगों की सहभागिता के साथ जो है समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बुजुर्गों एवं बच्चों को घर पर रहकर ही समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील की है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क अवश्य रूप से पहन लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो OBC आरक्षण मंच ने दोहराई अपनी मांग। झारखंड OBC आरक्षण मंच ने OBC के लिए आरक्षण सीमा 27% करने, अनुसूचित जाति का आरक्षण 10-15% बढ़ाने, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण और जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई है। शुक्रवार को जो डिबडीहा में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि सरकार के कार्यकाल का लगभग 20 महीने हो गए हैं, लेकिन बेहद दुखद है कि OBC समुदाय की मांग पर सरकार ने एक बार भी अधिकृत बयान नहीं दिया है। OBC मंच सरकार की मांग स्पष्ट करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार भी दे दिया है, लेकिन हेमंत सरकार इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। कहा कि संवेदनशील मामलों को लेकर मंच ने सरकार के मंत्रियों से लेकर विपक्ष के नेताओं और विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। 18 अगस्त को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPN सिंह को भी दिल्ली में ज्ञापन दिया जाएगा। 8 सितंबर को रांची में महासम्मेलन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय ने नामांकन की तारीखों का किया ऐलान। रांची विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट के लिए एक अहम घोषणा की है। दरअसल विश्वविद्यालय ने चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक स्तर के रेगुलर कोर्स के लिए नामांकन कराने की तारीखों की घोषणा कर दी है। बता दें कि स्टूडेंट रेगुलर कोर्स के लिए 14 अगस्त से 30 अगस्त तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट 31 अगस्त 2021 से 5 सितंबर के बीच तैयार की जाएगी, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर से 14 सितंबर के बीच किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोनी के लिए ऐसी दीवानगी देखी नहीं। हरियाणा का 18 साल का लड़का 1436 किलोमीटर पैदल चलकर धोनी से मिलने रांची आया। कहा धोनी ने सपने में आकर कहा, मुझसे मिलने रांची आओ, पांव में छाले, हाथ में तिरंगा, कंधे पर क्रिकेट किट और दिल में महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का जुनून। इसी जज्बे के साथ हरियाणा के जलानखेड़ा से 18 साल का अजय गिल इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए 16 दिन की यात्रा कर झारखंड के रांची पहुंच गया है। वह कहता है कि धोनी का जबरा फैन है। धोनी एक बार उसके सपने में आए थे और पैदल रांची आकर मिलने को कहा है। बस क्या था, रांची की यात्रा पर निकल गया। उसने बताया कि वह धोनी से मिलकर ही यहां से वापस जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में उफान पर गंगा। साहिबगंज दियार क्षेत्र जलमग्न, मचान पर जिंदगी काटने को मजबूर। झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज जिसके 83 किलोमीटर क्षेत्र से होकर माँ गंगा की निर्मल धार बहती है, गंगा इन दिनों उफान पर है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाकों में जलमग्न हो गए हैं। दियार क्षेत्र में खेती खलियान डूब गए हैं। लोग मचान पर जिंदगी काटने पर मजबूर हैं, जो शुक्रवार को गंगा खतरे के निशान से 17 मीटर 25 सेंटीमीटर से 1 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग पटना की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पटना से लेकर साहिबगंज तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियार क्षेत्र डूब गया है और शहर के रिहायशी इलाके और निचले इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में 38 लाख के गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से नेपाल जा रही थी खेप। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस को नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उड़ीसा से नेपाल ले जाते 76 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। जब्त गांजे की कीमत 38 लाख रुपए बताई गई है। जो है कार से गांजे की खेप ले जाई जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान जो है बांसजोर OP पुलिस टीम ने 76 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर शंबित अप्रीज ने बताया कि गांजे की बड़ी खेप की गुप्त सूचना मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिप्लोमा पास विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में ले सकते हैं सीधा दाखिला। झारखंड के सरकारी PPP मोड पर संचालित तथा गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से होने वाले नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए शनिवार 14 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 45% अंकों के साथ डिप्लोमा या इतने ही अंकों के साथ BSc उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40
40% अंकों के साथ डिप्लोमा या बीएससी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सीएम हेमंत बोले, सबके प्रयास से कोविड पर पाया काबू, अब सामान्य हो रही है स्थितियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य ने सबके सम्मिलित प्रयास से कोविड पर काबू पाने में कामयाबी पाई है, अब स्थिति सामान्य हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से मुखातिब थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 साल में वैश्विक महामारी के फैलाव से कोई अछूत नहीं रहा है, पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, आज भी संक्रमण प्रभावी है और वर्तमान स्थिति में कब क्या होगा या कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बिना जो है जन सहयोग के संक्रमण की विकट परिस्थिति से निकलना मुश्किल था, सरकार ने संकट के दौर से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो लोकसभा अध्यक्ष से मिले सांसद संजय सेठ। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में शुक्रवार को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उन्हें प्रगति 2020-21 की प्रति सौंपी है और उन्हें रांची आने का निमंत्रण दिया है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद श्री सेठ ने बताया कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष का सभी सदस्यों को बहुत ही स्नेह मिलता है, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने लोकसभा के हर सदस्य को श्री और मार्गदर्शन दिया है। श्री सेठ ने कहा कि मेरे संसद बनने के बाद से ही मुझे लगातार ओम बिरला का मार्गदर्शन मिला है, या मेरा सौभाग्य है कि आज उनसे मुलाकात कर लोकसभा में चालू मानसून सत्र की चर्चा की। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रिम्स में जन औषधि केंद्र शुरू ना होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा गरीबों को कैसे मिलेगी सस्ती दवा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर अभिरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स अस्पताल की हालत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने रिम्स में जो जेनरिक दवा केंद्र और सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं लगाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि रिम्स में पीएम जो जन औषधि केंद्र खोलने और सीटी स्कैन मशीन लगाने को लेकर कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसकी जानकारी देने के लिए फिर जो है अदालत से समय मांगा जा रहा है। आखिर जो है रिम्स प्रबंधन अदालत के आदेश को इतना हल्के में क्यों ले रहा है? जन औषधि केंद्र नहीं खुलेगा तो गरीबों को सस्ती दवा कैसे मिलेगी? अगली बड़ी खबर की बात करें रूपा तिर्की मौत मामला, महाधिवक्ता ने जज से कहा अब यह मामला उन्हें नहीं सुनाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के त्रिवेदी की अदालत में शुक्रवार को रूपा तिर्की मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजू रंजन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बैच में की जानी चाहिए, क्योंकि सुनवाई के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला 200% सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस पर अदालत ने उन्हें उक्त बातें शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है, पर इस पर उन्होंने जो है इससे इनकार कर दिया, कहा कि उनका मौखिक कहना ही पर्याप्त है। इसके बाद अदालत ने माना है कि जब यह सवाल उठ गया है तो अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारण करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन कोर्ट करेगी, इसलिए यह मामला उनके पास भेजा जा रहा है। इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह तत्काल इस मामले को चीफ जस्टिस के यहाँ पेश करें। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो लालू यादव फिर जाएंगे जेल या रहेंगे बाहर, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले पर सुनवाई शुरू। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर जेल जाएंगे या बाहर ही रहेंगे, इस पर जल्द फैसला आने वाला है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर सुनवाई तेज हो गई है। रांची की जो है सीबीआई कोर्ट ने लालू की अर्जी को खारिज कर दिया है, जो है इसमें कोर्ट ने फिजिकल तौर पर खुलने तक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर कोर्ट बैठेगी। कोर्ट ने रोजाना बहस का भी आदेश दिया है। कोर्ट इसे लेकर शुक्रवार को सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में बहस का विकल्प रखा है। बहस के दौरान अधिक से अधिक 5 लोग ही शामिल रहेंगे। वर्चुअल मोड में बहस जो है चाहने वाले कोर्ट की अनुमति से दस्तावेज दिखाकर बहस कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री हफीजुल हसन करेंगे ध्वजारोहण। देवघर में स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह केकेएन स्टेडियम में होगा। मुख्य अतिथि मंत्री निबंधन संख्यक कल्याण तथा पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग हफीजुल हसन सुबह 9:10 पर परेड की सलामी लेंगे। समारोह से पहले शुक्रवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्री एवं पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का अंतिम जो है पूर्णाभ्यास किया। पूर्णाभ्यास कार्यक्रम में J5 के जवानों की टुकड़ी सहित महिला पुरुष जवान व गृह रक्षा वाहिनी केडर ने हिस्सा लिया। मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्री ने कहा कि सभी को चाहिए कि देशभक्ति में ओत जो है प्रोत हो और शांतिपूर्ण ढंग से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री से मिले लोहरदगा संसद मार्गों से कराया अवगत। नई दिल्ली में लोहरदगा के लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे संबंधित विभिन्न जनहित के विषयों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की है। इस दौरान मांग पत्र भी सौंपा है। सुदर्शन भगत द्वारा पूर्व में की गई मांग का स्मरण कराया गया है, जिसमें जो है संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा टोरी से रांची राजधानी और मुंबई LTT एक्सप्रेस का परिचालन कराने के लिए निवेदन किया गया था। रेल मंत्रालय द्वारा पूरे करने के लिए मंत्री का जो है वादन किया गया है, जो उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। इसी विषय में रांची राजधानी व LTT एक्सप्रेस का ठहरा भी लोहरदगा में सुनिश्चित कराने के लिए निवेदन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी लैब संचालकों से प्रशासन ने मांगा कोरोना जांच का ब्यौरा। कोरोना जांच कराने वालों की जांच के दौरान पूरा ब्यौरा दर्ज नहीं किए जाने और मोबाइल नंबर की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन अब सभी निजी लैब के दस्तावेज की जांच करेगा। जांच के लिए संचालकों से जांच कराने वालों का पूरा डेटा मांगा है। मोबाइल नंबर और पता जिस रजिस्टर पर दर्ज किया गया है वह रजिस्टर भी मांगा गया है। दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि कोविड टेस्ट कराने वालों के नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारियां सही तरीके से ली जा रही है या फिर नहीं। दर्ज मोबाइल नंबर का जांच के दौरान ही सत्यापन कराया जा रहा है या फिर नहीं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।